हाय गाइस, हम आए हैं बालाघाट। ये हमारा ब्लॉग टू है जहाँ पर हम बालाघाट की मार्केट के बारे में बताएंगे। यहाँ से देख सकते हैं अपन बाजार पास पास से इट साइड सब देखोगे, यहाँ से पूरा मार्केट लगता है जो कि हम गुजरी से होते हुए आए। देख सकते हैं साइड में एकदम ये अपने कपड़े और दुकान, ये यहाँ पर आपको सभी प्रकार के सामान मिल जाएंगे इस साइड में। ये हम अंदर से जा रहे हैं, आपको बताते हैं अंदर की दुकान कौन सी लगती है। ये बना रहा है, ये देखा है, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा पानी गिरा हुआ तो उसके नरम रहे थोड़ा सा। ये देख सकते हो ये शूज की शॉप है, यहाँ से फल फूल ये है, देख सकते हो अंदर वाली दुकान में। अब यहाँ से अच्छे अच्छे फल ले सकते हैं, ये मार्केट में सब्जियाँ, ये देख सकते हो बीक ये। अब अंदर से यानी सस्ते में आप खरीद सकते हो, यहाँ से देख सकते हो आप, आपको यहाँ आसानी से जूते चप्पल मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा पैदल अगर घूमोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। देख सकते हो यहाँ से ये तावा चावल दुकान। हम अभी मार्केट के अंदर के बारे में बता रहे हैं, अभी अंदर है, ये देख सकते हो चूड़ियाँ, ये देखते हो एक से एक मिल जाएंगे यहाँ पर। आप जैसे ही मार्केट के अंदर जाएंगे तो आपको सभी प्रकार के सामान दिख जाएंगे। देख सकते हैं ये देख सकते हो, ये मार्केट के अंदर ये छोटी छोटी गलियां हैं। आप मगर मार्केट का आनंद लेना चाहते तो आप पैदल ही मार्केट घूमें तो अच्छा ले रहेगा, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत रहती है तो पैदल ही अच्छा रहेगा। देख सकते हो ये है अपना चूड़ियाँ, इस साइड में मिल जाती है, तो बस अंदर जाना पड़ता है। मैंने मार्केट के अंदर में चैम्बू चल रहा है, देख सकते हो चूड़ी कितनी, ये चूड़िया है अच्छे कलर कलर की, ये भी रखते हो मनियारी सामान है जो आपको कम इसमें मिल जाएगी। ये यानी मनियारी वाली साइड में है, तो पूरी मनियारी दुकान है इस साइड में। अब जा रहे हैं हम आगे, अब यहाँ से हमने स्पीड कर दी क्योंकि वीडियो ना बने। ये देख सकते हो यहाँ से चावल की पूरी है, तो हम बाहर आ गए हैं। ये देख सकते गुजराती साड़ी सेंटर है, ये गुजरी बोले तो बस स्टैंड से सीधा ही आइए, वहाँ जहाँ से रानी दुर्गावती चौक है वहीं से सीधा ही, तो ये रोड में आती सीधी सीधी। तो ये देख सकते हो टमाटर प्याज आलू सब्जी, अब हम आ गए हैं सब्जी मार्केट जो कि बालाघाट में देख सकते हो इस प्रकार से लगती है। ये टमाटर गोभी आलू जब भी मार्केट आए तो साथ में चिल्लर पैसे लगे, क्योंकि फोन पे कई कई जगह नहीं चलता तो दिक्कत जाती है। देख सकते हो ये आलू, देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लेफ्ट मोड़ेंगे क्योंकि आधा मार्केट अंदर भरता है थोड़ा सा, ये देख सकते हो सामने सामने लगे हुए हैं। हम और आगे जाएंगे अभी, यहाँ से सीधा ही फिर वहाँ से देख सकते हो मिर्ची आलू 20 रुपये बोल रहे हैं। सीधा ही जाना है,
ये बालाघाट का मार्केट जो कि बहुत ही बड़ा भरता है, ये है स्कूल, प्राथमिक शाला स्कूल है, ये देख सकते हो यहाँ से लगा हुआ है, ये देख सकते हो लौकी प्याज भट्टा आलू आपको सब मिल जाएंगे एकदम, थोड़े से महंगे मिलेंगे इस वक्त, देख सकते हो रुपये 30 रुपये भाव बोल रहे हैं भैया ये रुपा 30 रुपये पाव बोल रहे थे शायद। अब हम आ गए हैं मार्केट, अंदर आ गए हैं, थोड़ा सा देख सकते हो यहाँ से पूरा पूरा मार्केट लगा हुआ है, भटा आलू गोभी यहाँ से सब आपको ले, लेकिन आपको चिल्लर पैसे पर नहीं लाना पड़ेगा, क्योंकि कई कई यहाँ पर गांव से आते हैं जिनके पास फोन पे वाला किसी किसी के पास नहीं रहता है, किसी किसी के पास नहीं रहता, इस प्रकार से अंदर का भरता है, देख सकते हो यहाँ पर ये भैया दे रहे हैं, ये देख सकते हो सभी के पास गोभी आलू टमाटर तुवल तुवल भी आ गई है, छिली वाली मिल जाती है आपको, बिना छिलके वाली भी हो मिल जाएगी, बिना छिले वाली भी, ये देख सकते हो रूपा आपको मिल जाएगी। धन्यवाद, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो, देख सकते हैं दोस्तों ये मार्केट पूरा लगा हुआ है, ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इस कारण से हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे बाकी मार्केट को, धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब।